सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर एबल टू इंटरफेस सेवन सेगमेंट कॉमन कैथोड एल ई डी डिस्प्ले विथ माइक्रो कंट्रोलर एंड यू हैव टू डिस्प्ले जीरो टू नाइन नंबर ऑन एल ई डी डिस्प्ले सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो आपने देखा होगा कि जो हमारा सेवन सेगमेंट एल एल डिस्प्ले आता है वो कैसा आता है कुछ ऐसा आता है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जो आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो एल का नॉलेज होना चाहिए तो आपने देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं ये एक एल है ये दूसरी ये तीसरी चौथी पाँचवीं छठी और सातवीं टोटल सेवन एल ई डी है और ये एक एट उसको हम ये इसका क्या नाम देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी अब इसको एच भी बोल सकते हो और डी एफ भी बोल सकते हो तो अभी अभी हमने क्या किया है हमको कौन सा यूज़ करना है कॉमन कैथोड यूज़ करना है तो कॉमन कैथोड के लिए आप, आपको पता होगा कि एक एलईडी होती है वो हमारी कैसी कुछ ऐसी होती है एक बार जो एनोड होता है कैथोड होता है तो अभी हमको क्या बोता है क्या बोला है कॉमन कैथोड बोला है मतलब जो भी सात सात हमारी ऐसी एलईडी है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सेवन और उसमें क्या बोला है कि कॉमन कैथोड है मतलब ये हमारा पूरा कॉमन कैथोड है और ये हमारी ए है ये वाली है ये बी वाली एलईडी है ये सी वाली ये डी वाली ई एफ जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और टोटल ये वाली एट लेकिन अभी उसको हम कंसीडर नहीं करते लेकिन पूरा प्रोग्राम समझने के लिए आपको वो भी कंसीडर कर लेना चाहिए तो एक ले लेते हैं उसको हम एच ले लेते हैं इधर एच है। अभी हमको क्या बोला है कॉमन कैथोड बोला है तो मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ कॉमन कैथोड का ए बी सी डी ई एफ जी एच तो अभी मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है ज़ीरो डिस्प्ले करवाना है ये एलईडी के ऊपर जीरो डिस्प्ले करवाना है तो मैं वो जीरो कैसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ तो मुझे ये वाली एल ऑन करनी रहेगी ये वाली ऑन करनी रहेगी ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली तो ये एल मैं ऑन करने से मुझे कैसा ज़ीरो कैसा मिलेगा ए को ऑन करना रहेगा बी सी डी ई और एफ अभी ये दोनों को ऑन करना नहीं रहेगा कौन दोनों को जी और एच को जी और एच को ऑन करना नहीं है सिर्फ इतना ही ऑन करना है तो मैं कैसे ऑन कर सकता हूँ ये कॉमन ये कौन सी है ये अरेंजमेंट कौन सी है कॉमन कैथोड के लिए है तो कॉमन कैथोड के लिए मुझे ऑन करना हो तो मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्राउंड है ये ज़ीरो पे तो इधर मुझे क्या देना पड़ेगा तो ये एल ई डी ऑन होते हैं मुझे वन देना पड़ेगा तो ही ये एल ई डी ऑन होगी तो मुझे कौन कौन सी एल ई डी ऑन करने की है पहली ए ऑन करने की है तो इधर मैं वन दे सकता हूँ दूसरी बी ऑन करने की है दूसरी तीसरी सी ऑन करने की है डी को भी ऑन करना है ई e और एफ़ को भी ऑन करना है और बाकी जी और एच को ऑन नहीं करना है अभी जी और एच को ऑन नहीं करना है सिर्फ इतना ही ऑन करना है ए बी सी डी ई एफ तो ही हमारा ज़ीरो डिस्प्ले होता है तो इसके लिए ये दोनों को नहीं ऑन करना है तो मैं ज़ीरो दे देता दे हूँ तो अभी ये अरेंजमेंट में मैं लिख सकता हूँ कि इधर वन ये ए को ऑन करना है मतलब वन बी को ऑन करना है वन सी को भी ऑन करना है डी को भी ऑन करना है ई e और एफ़ को भी ऑन करना है और ये दोनों को ऑफ करना है तो इसके द्वारा मुझे क्या मिल रहा है मुझे एक की कोड मिल रहा है कौन सा ये चार और ये चार ये नंबर क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं क्या बोल रहे हैं एट फोर टू वन वाले मेथड को यूज़ करते हैं तो ये कौन सा नंबर मिल मिल रहा है हमें एट फोर टू वन मतलब आठ और चार बार बारह और दो चौदह चौदह प्लस वन फिफ्टीन पंद्रह तो पंद्रह को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, है? करते हैं हेक्जा डेसीमल में एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं पंद्रह को पंद्रह हमारा डेसीमल में आया लेकिन उसका हेग्जा डेसीमल कैसे आएगा क्योंकि हम माइक्रो कंट्रोलर में क्या करते हैं हेक्जा डेसीमल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो एफ़ का क्या आएगा हेक्जा डेसीमल मतलब सिक्सटीन में सिक्सटीन में एफ एफ आएगा पंद्रह का तो इसका एफ आ गया और यहाँ क्या आएगा एट फोर टू वन तो ये दो ही ऑन है मतलब थ्री आएगा थ्री एफ एक्स हेक्स मतलब हेक्ा डेसीमल तो जीरो डिस्प्ले करवाना होगा मुझे तो मुझे थ्री एफ एच डालना पड़ेगा जीरो इसके ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए सेम सेम आप वन के लिए भी फाइंड कर सकते हो टू के लिए थ्री के लिए अप टू नाइन के लिए फाइंड कर सकते हो और एक लुकअप टेबल बना सकते हो तो मैं एक वन के लिए बता देता हूँ तो वन के लिए आपको क्या करना रहेगा बी और सी को ही ऑन करना है बाकी सब ऑफ कर दे तो ऐसे में वन डिस्प्ले करवा सकता हूँ इधर देख सकते हो आप वन आ रहा है तो बी और सी को ऑन करते हैं बी और सी को ऑन करते एक को नहीं करना है बी और सी को ऑन करना है ए को नहीं करना है बी और सी को ऑन करना, करना है बाकी सबको ऑफ रखना है तो मुझे कौन सा की मिलता है ये पूरा ज़ीरो आ गया और ये एट फोर टू वन मतलब फोर प्लस टू ये दो तो ज़ीरो है तो मतलब उसको काउंट नहीं करने का ये दो ही है प्रेजेंट वन वन तो उसका काउंट करते हमको क्या मिलता है सिक्स तो ज़ीरो सिक्स मिलता है और ज़ीरो सिक्स एच अपन को चाहिए अपने को जीरो सिक्स एच देना पड़ेगा किसको एल ई डी को कब जब हमारा कॉमन कैथोड होता है तब क्या करने के लिए वन डिस्प्ले करने के लिए सेम आप टू के लिए फाइन कर सकते हो थ्री के लिए फाइन कर सकते हो आप टू नाइन के लिए फाइन कर सकते हो। तो ये तो हमने बता दिया कॉमन कैथोड का ये आपने बता दिया कॉमन कैथोड का अभी दूसरी बात आई जब क्वेश्चन में कॉमन एनोड दिया हो तब क्या करते हैं तो वो भी सिंपल है कुछ भी नहीं है आप सेम मेथड फॉलो करना है तो जब कॉमन एनोड तो पहले मैं एलईडी डिस्प्ले कर देता हूँ इधर ड्रॉ कर देता हूँ सेवन वन टू नॉट अ सेवन टोटल एट होगी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो अभी इधर क्या बोला है कॉमन एनोड बोला है मतलब जो भी हमारा एनोड है वो सबको हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली प्लस फाइव वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसमें जब हम कॉमन तो कैथोड की बात करते हैं तो उसको हम ग्राउंड करते हैं लेकिन जब हम कॉमन एनोड की बात करते हैं तब हम उसको फाइव वोल्ट मिनिमम फाइव वोल्ट पर मतलब हमारी एल ई डी फाइव वोल्ट पे वर्क करती है मतलब इधर हाई वोल्टेज पिन आती है और इधर लो वोल्टेज पिन आती है तो अभी इधर कुछ भी ग्राउंड नहीं करते तो अभी सिंपली जो मुझे ये एल ई डी ऑन करवानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इधर वन आ रहा है मतलब इधर फाइव वोल्ट आ रहा है तो इधर मुझे जीरो करना पड़ेगा तभी ये एल ऑन होगी तो मतलब अभी जो भी एल ऑन करवानी है उसके कैथोड पर हमको ज़ीरो ज़ीरो देना पड़ेगा तभी ये हमारी एल ऑन होगी तो कैसे ऑन हो सकती है तो सिंपली अभी ऊपर क्या ऐसा ही ए बी सी डी ई एफ जी एच तो ये हमारी वही है ये ए वाली है एल ई डी बी सी डी ई एफ जी एच तो अभी मुझे क्या बनाना है मुझे ज़ीरो डिस्प्ले करवाना है मतलब मुझे ये एक दो तीन चार पाँच छः ए टू एफ़ तक एल को ऑन करना है तो मैं कैसे करूँगा मुझे ये एल ऑन करनी है तो क्या क्या करूँगा मैं इधर ज़ीरो दूंगा सेम मुझे बी भी ऑन करना है सी भी ऑन करना है डी भी ऑन करना है ई e और एफ़ तभी तो हमारा ज़ीरो बनेगा ज़ीरो ऑन करने के लिए ज़ीरो बनाने के लिए किसके ऊपर सेवन सेगमेंट कॉमन एनोड अभी हम एनोड की बात कर रहे हैं तो ये ज़ीरो लाने के लिए ऐसा सेवन सेगमेंट से तो हम क्या करेंगे फोर ज़ीरो ये ज़ीरो के लिए तो ये एलईडी ऑन करवाएंगे तो वो एलईडी ऑन करवाने के लिए हमको यहाँ पे सभी जगह पे ज़ीरो देना पड़ेगा और ये यहाँ पर वन वन क्योंकि ये दोनों हमारा ऑफ है मतलब यहाँ भी फाइव वोल्ट यहाँ भी फाइव वोल्ट ये वन रिप्रेजेंट करता है हाई और ये ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है लो तो इधर भी हाई और इधर भी हाई तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया इधर ये दोनों पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया क्यों नहीं आया यहाँ पर भी हाई यहाँ पर भी हाई यहाँ पर भी हाई यहाँ पर भी हाई तो कैसे हमारा ये ऑन होगा ये दो एल ऑन नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ कि ए के लिए ज़ीरो बी के लिए ज़ीरो सी के लिए भी ज़ीरो डी के लिए भी ज़ीरो ई e के लिए भी ज़ीरो एफ़ के लिए भी ज़ीरो एच और जी के लिए वन वन तो इससे कौन सा नंबर और कौन सा कोड जनरेट हो रहा है तो आपको फ़ोर फोर की पैर बनानी है और एट फोर टू वन वाले मेथड का यूज़ करना है तो ये जीरो जीरो है तो देखने का हीज नहीं ये वन वन है तो एट प्लस फोर ट्वेल्व लेकिन ट्वेल्व किस में आया डेसिमल में आया एट प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्थ डेसीमल में ट्वेल्व का एग्जा डेसीमल क्या है तो आपको सिंपली पता होगा कि जब भी हम एग्जा डेसीमल की बात करते तब नाइन वन टू और ऐसा बोल सकते हो ज़ीरो टू नाइन नंबर तो सेम ही रहता है डेसीमल और डेसीमल में लेकिन जब डेसीमल होता है तब टेन हो जाता है लेकिन टेन इन डेसिमल इलेवन इन डेसिमल ट्वेल्व इन डेसिमल थर्टीन इन डेसिमल फोर्टीन इन डेसिमल फिफ्टीन इन डेसिमल इसको हम हैगजा डेसीमल में कैसे लिखते हैं सिंपली इसको ये लिखते हैं टेन को ए लिखते हैं इलेवन को बी लिखते हैं ट्वेल्व को सी लिखते हैं थर्टीन को डी लिखते हैं फोर्टीन को ई e लिखते हैं और फिफ्टीन को एफ लिखते हैं और इसके बाद जो सिक्सटीन आएगा उसको हम टेन लिखते हैंगजा डेसीमल तो ये जो टेन था वो डेसिमल वाला था और ये जो टेन है वो एग्जा डेसीमल वाला है तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होने का तो इधर मुझे क्या मिलता है ये दो वन है मतलब एट प्लस फोर ट्वेल्व मिलता है तो ट्वेल्व एग्जा डेसीमल में डेसीमल में ट्वेल्व डेसीमल में है तो उसका एग्जा डेसीमल क्या होगा सी एच तो मैं इधर सिंपली सी एच लिख सकता हूँ इसके लिए सी ये वाले और ये वाले के लिए ज़ीरो क्योंकि जीरो ही है कोई है ही नहीं नंबर ही नहीं है तो एट फोर टू वन वाली मेथड यूज़ करूँ तो ये सब ज़ीरो ही है कोई भी जगह पे वन है ही नहीं तो आएगा ही नहीं डायरेक्ट जीरो आएगा इधर दो जगह पे वन है इसीलिए ये दोनों का एडिशन हो मुझे सी जीरो एच कोड मिलता है तो सेम अभी वन करवाना है अभी वन करवाने के लिए बी और सी को ऑन करना पड़ेगा मतलब सिर्फ बी और सी पर ही ही ज़ीरो देना पड़ेगा मतलब ये दो बी और सी वाली पिन पे ही जीरो देना पड़ेगा बाकी सब वन हो जाएगा इधर भी वन इधर भी वन 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 तो जब ऐसा हो तो मुझे कौन सा कोड मिलता है इधर एफ़ मिलता है और इधर क्या मिलता है एट फोर टू वन एट प्लस वन एट फोर टू वन ऐसे एट फोर टू वन तो ये दो ज़ीरो ज़ीरो है तो उसको तो देखना ही नहीं ये एट मतलब ये वाला एट और प्लस वन तो नाइन मिलता है तो इसका कोड क्या आया एफ नाइन हैक्स कोड आया है. तो मुझे ये जब मैं डालूंगा कॉमन एनोड जब होगा तब मैं जो ये कोड डालूंगा तो मुझे सेवन सेगमेंट ऊपर वन दिखेगा वन कैसा दिखेगा ऐसा वन दिखेगा ऐसा वन दिखेगा और ज़ीरो ऐसा ऐसे आप ज़ीरो टू नाइन नंबर के लिए कोड बना सकते हो तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो कि कोड दिखाई दे रहा है वो दोनों कॉमन एनोड और कॉमन के लिए कॉमन कैथोड के लिए आप इसको याद भी रख सकते हो और याद नहीं रखना है ऐसे तो याद रखना ही नहीं है आपको ऐसी मेथड से ही फाइंड करना है तो ये तो हमने क्या देखा ये हमने क्या देखा ये हमने क्या देखा ये हमने तो सिर्फ अभी सिर्फ़ ये एल एल LED के बारे में देखा एल का इंटरफेसिंग करने के लिए कौन से कोड डालना है वो देखा अभी हमारा प्रोग्राम मेन प्रोग्राम क्या है एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम क्या है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है जीरो टू नाइन नंबर डिस्प्ले करवाना है विथ डिले तो डिले ले, ले लेते हैं टू सेकंड तो टू सेकंड डिले का कैसे आएगा वो भी मैं प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूँगा तो अभी क्या करते हैं पहले प्रोग्राम देखते हैं क्योंकि ये बेसिक आपने समझ लिया है एकदम अच्छे से एकदम टनाटन तो एकदम अभी प्रोग्राम के लिए मैं एक का और दिख जाना चाहिए। तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आप सिंपली देखते हो तो सिंपली क्या आता है ये तो सबको पता है इतना लिख के आने का प्रोग्राम ना आए ना तो जब कोई भी प्रोग्राम आपको नाइन आता ये तो लिख के ही आने का <laughs> तो अभी देखते हैं कि ज़ीरो टू नाइन डिस्प्ले करवाना है एल के ऊपर और वो भी सम डिले तो मैंने टू सेकंड लिया है तो टू सेकंड के डिले के साथ मतलब बोल क्या रहा है पहले ज़ीरो डिस्प्ले करो आफ्टर टू सेकंड वन डिस्प्ले करो आफ्टर अगेन टू सेकंड टू डिस्प्ले करो आफ्टर टू सेकंड थ्री डिस्प्ले करो ऐसे ऐसे कितने तक जाना है नाइन तक जाना है तो अभी वो प्रोग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं तो अभी हम स्टेक पॉइंटर को भी इनिशियलाइज कर देते हैं इसका कुछ यूज़ प्रोग्राम में तो नहीं आता लेकिन ऐसा कर देने का जिससे आपका प्रोग्राम बड़ा लगे इतना जो भी ना आए ना कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो और कुछ ना आता है तो इतना तो लिख के ही आने का इतना तो लिख ही देने का मतलब ऐसा बोल रहा हूँ जितने भी मार्क मिले इतना लेकिन लिख ही देने का अभी पहले स्टार्ट करते तो इधर मैं थोड़ी लाइंस छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका बाद में यूज आएगा तो आप कन्फ्यूज ना हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ तो इसमें हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे लुकअप टेबल लुकअप टेबल मतलब क्या करता है हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं सम स्पेस को उसमें कोड रखते हैं और जब भी हमारे प्रोग्राम को रिक्वायरमेंट रहेगी वो वहाँ जम्प करेगा लुकअप टेबल में से कोड लेके डायरेक्टली डिस्प्ले करवा देगा तो अभी उसके लिए मुझे डी पी टी आर रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा मूव डी पी टी आर सेवन सेगमेंट तो ये क्या कहाँ पे जम करेगा ये ये क्या करेगा ये सेवन सेगमेंट से हमने पूरा लुकअप टेबल बनाएंगे तो अभी हम पहले लुकअप टेबल बनाते हैं सेवन सेगमेंट पे तो लुकअप टेबल में इधर लिख देता हूँ सेवन सेगमेंट अभी अभी आपको मेन देखना पड़ेगा कौन से कोड यूज़ करना है कौन से कोड मुझे लुकअप लुकअप टेबल में डालना है तो इधर हमको ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रोग्राम में क्या लिखा है कि कॉमन कैथोड का ही यूज़ करो कॉमन एनोड नहीं बोला जो बोला है वही यूज़ करने का अपने आप अप, अपने आप नहीं यूज़ कर देने का ऐसे तो प्रोग्राम में ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं होता लेकिन आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है बाकी तो आप कॉमन एनोड से भी बना सकते हो ऐसा कुछ है नहीं तो कॉमन कैथोड के लिए हमने पहला जो जीरो के लिए कौन सा कोड फाइन किया था थ्री एफ एच वन के लिए क्या था एफ नाइन था वन के लिए एफ नाइन नहीं था जीरो सिक्स था एफ नाइन तो वो इसके लिए कॉमन एनोड के लिए था एफ नाइन ये पूरा मैं पार्टीशन ले लूँ तो कुछ ऐसा था ये हमारा नीचे वाला सब कॉमन एनोड के लिए है और ऊपर वाला सब कॉमन कैथोड के लिए है तो कॉमन कैथोड के लिए जो जीरो सिक्स एच था वन के लिए और तो ऐसे पे डिफाइन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा डी यूज़ करना पड़ेगा तो डी में थ्री एफ एच पहला ज़ीरो वाला ज़ीरो डिफाइन करने के लिए थ्री एफ एच वन डिफाइन करने के लिए ज़ीरो सिक्स एच डी बी ज़ीरो सिक्स एच ये वन जीरो के लिए ये वन के लिए अभी टू के लिए कोड क्या है पता है मैंने ऑलरेडी फ़ाइन करके रखा है अभी मैं डायरेक्टली ही लिख दूंगा आपको फ़ाइन करना पड़ेगा <laughs> आप आप याद मत करना याद करने में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी और जब आप रन करवाओगे केल में और प्रोटियस में तब कोई दूसरा कोर डाल देगा ना तो कोई ऐसे ही कोई भी नंबर डिस्प्ले हो जाएगा कोई भी एलईडी इसमें से ऑन हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएगा ये कहाँ जा रहा है मेरा प्रोग्राम गलत है लेकिन आपकी डीबी वैल्यू गलत होगी प्रोग्राम गलत नहीं होगा सेवन एट नाइन अप टू नाइन तक जाना है तो मैं इसके लिए डी बी बना देता हूँ सिक्स डी हच डी बी सेवन डी एच डी बी ज़ीरो सेवन हच डी बी सेवन एफ एच और कोई छूट गया छूट गया नहीं छूटा पीछे लिखा है मैंने तो ये हमारा लुकअप टेबल बना किसके लिए बना किसके लिए बना कॉमन कैथोड के लिए बना और कौन सा ये सब कोड किसके लिए है जीरो वन टू थ्री डिफाइन करने के लिए तो ये डी पी टी आर में सेवन सेगमेंट मतलब ये जो पहले वाला डेटा है वो इसमें जाएगा लेकिन वो पहले वाला ही क्यों जाएगा तो वो अभी इंपॉर्टेंट है अभी डी पी टी आर में से क्या करना है आपको मूव द कंटेंट ऑफ डी पी टी आर इंटू एक्यूमुलेटर करना है मतलब मतलब क्या करना है मूव सी मूव सी का यूज़ करते हैं पता है ना आपको जब डी पी टी आर और वो करते हैं तब तो ए प्लस डी पी टी आर अभी ए का इम्पोर्टेंट है ये ए प्लस डी पी टी आर क्या करेंगे अभी पहले ये डेटा चाहिए हमको पहले ज़ीरो डिस्प्ले करवाना है तो हमको जो ए है ना ये क्या करेगा मूव डी पी टी आर सेवन सेगमेंट ये पहले इंस्ट्रक्शन को लेगा उसके अंदर और जब हम ये करेंगे तब इसका जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा तो इसके लिए ए को हमको जीरो करना पड़ेगा पहले जो ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये डी पी टी आर मतलब जो लोकेसन है वो एक एक कंटेंट से एड हो जाएगा और कोई दूसरी लोकेसन पर पहुँच जाएगा मतलब जो मेरा डी पी टी आर जीरो ज़ीरो पर है लेकिन मेरा ए ज़ीरो नहीं है जीरो टू पर है तो वो डायरेक्टली टू पे चला जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा तो पहले टू से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम इसके कारण इसके कारण क्या करते हैं हम पहले क्लियर एक्यूमुलेटर करते हैं ये क्लियर क्लियर एक्यूमुलेटर का यूज़ है इसलिए मैंने जो जगह थोड़ी थी पहले तो डायरेक्टली मैं इधर क्लियर एक्यूमुलेटर से प्रोग्राम स्टार्ट करता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या डायरेक्टली लिख रहे हो आप ये इम्पोर्टेंट है आप कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी प्रोग्राम आप लिख पाओगे बाकी डायरेक्टली आप ऐसे देखोगे डायरेक्टली सीक्वेंस में और रट लोगे अब रट लोगे लो तो हो जाएगा लेकिन रटना नहीं है समझना है हो क्या रहा है अंदर माइक्रो कंट्रोलर कर क्या रहा है अंदर कोई प्रोसेस कैसी हो रही वो हमको समझना है तो ये हमने क्लियर किया क्लियर करने से वो जीरो हो गया तो यहाँ पर भी जीरो और डी वाला यहाँ पर पॉइंटिंग कर रहा है ये लोकेशन पर तो उसका जो कंटेंट होगा ये एट द क्या बता रहा है ये लोकेशन डिफाइन करना है ये लोकेशन पे जो कंटेंट है वो अक्यूमुलेटर में जाएगा तो कौन सा कंटेंट है थ्री एफ एच तो थ्री एफ एच अभी एक्यूमुलेटर में चला गया अभी हम मान लेते हैं कि हमारा जो एल ई डी डिस्प्ले है एल ई डी वो पोर्ट टू के साथ कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर के मतलब जो भी टोटल सात या आठ पिन होती है वो ऐसे माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट टू पोर्ट टू इधर जो आता है केल में इधर आता है आई होप इधर ही आना चाहिए इधर ही आता है इधर ही यहाँ जीरो आता है नहीं ज़ीरो इधर आता है वन इधर आता है टू इधर आता है और थ्री इधर आता है ऐसे कंस्ट्रक्शन होती है पोर्ट में अब के प्रोटियस में पोर्ट में नहीं तो ये जो पोर्ट टू की जो एट पिन है ना वह ऐसे कनेक्टेड है हम मान लेते हैं आठ पिन है वो आठ एल के साथ कनेक्टेड है तो ये मैं प्रोग्राम प्रोटियस में रन करूँगा तब मैं डाल दूँगा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक लेकिन ये अभी नहीं डालूंगा अभी मैं उसको प्रोटेस में रन नहीं करवाऊँगा बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मेन अभी इंटेंस क्या है हम प्रोग्राम समझेंगे तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा है ये हमारा एल है और वो कुछ ये एल है ये वाला ये वाला एल आप कंफ्यूज कन्फ्यूज ना हो जाना पोर्ट टू माइक्रो कंट्रोल ये हमारा माइक्रो उसके पोर्ट टू के साथ कनेक्टेड है ऐसा हमने माना क्यों ऐसा क्यों हमने माना पोर्ट टू के साथ क्यों कनेक्टेड है ऐसा कुछ नहीं आप पोर्ट टू थ्री के भी साथ वन के भी साथ और जीरो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो लेकिन अभी हम एक कोई एक पोर्ट ले लेते हैं तो अभी वो क्या करना है जो भी ये कंटेंट है वो पोर्ट टू में जाने देना है ये क्यों किया ये क्यों किया ये तो मेन है एक्यूमलेटर का कंटेंट क्या है अभी थ्री एफ एच थ्री एफ एच मतलब जीरो तो अभी ज़ीरो किसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है जीरो किसके ऊपर डिस्प्ले कराना है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डिस्प्ले है नहीं माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर थोड़ी हम डिस्प्ले करवा सकते एल एलईडी के ऊपर करवाने तो एल को देना तो पड़ेगा ना बाहर से कुछ कनेक्शन तो देना पड़ेगा ना तो इसके कारण हम पी टू का यूज़ करते और पी टू पोर्ट के ऊपर डेटा देने से वो डेटा किसको मिलेगा किसको मिलेगा एल को मिलेगा तभी तो एल वर्क करेगा ऐसे थोड़ी वर्क करेगा कि माइक्रो कंट्रोलर में दे दिया मतलब सीधा एल कनेक्ट हो गया एल को हमने माई पी टू पोर्ट के साथ कनेक्ट किया है इसी हमने जो एका कंटेंट है वो पी टू में दे दिया तो अभी आगे क्या करना है अभी आगे हमको डीले देना है कौन सा डीले पहले हमने ज़ीरो डिस्प्ले करवाएंगे उसके बाद वन डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके बीच में थोड़ा टाइमिंग चाहिए ये टाइमिंग क्यों चाहिए ये टाइमिंग क्यों दिया माइक्रो कंट्रोलर नहीं ले सकता कि नहीं मैम मैं जितना दे रहा हूँ उतना टाइमिंग आप यूज़ करो उतने टाइम के लिए ही मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तो क्या है होगा पता है क्या होगा पता है ये जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं ना वो वन और टू इन बिटवीन टू वन और टू सेकंड में ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा दूसरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा वन टू टू सेकंड में मतलब ऐसा कंसिडर कर लेता है कि सभी इंस्ट्रक्शन वन सेकंड लेता है ऐसा नहीं होता वो उसके टी स्टेट पर डिपेंड करता है लेकिन नियरली वन सेकंड होता है तो अभी मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये वन सेकंड लेगा ये वन सेकंड लेगा ये वन सेकंड लेगा तो आपने देखा कि फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव माइक्रो सेकेंड में आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया तो मतलब मतलब क्या कि जो ज़ीरो डिस्प्ले होगा ना वो कितने टाइम के लिए डिस्प्ले होगा पता है एल के ऊपर कितने टाइम के लिए डिस्प्ले होगा इन बिटवीन फाइव टू टेन माइक्रो सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा तो आप पाँच टू फाइव टू टेन माइक्रो सेकंड के डिस्प्ले में ये इसके ऊपर जीरो देख सकते हो नहीं देख सकते हो अपना आई आए, आइस का पर परसिस्टेंट होता है कि वन बाई सिक्सटीन से कम फ्रेम रेट चेंज होता है तो हमारा आइस डिटेक्ट नहीं होगा मतलब आपको क्या दिखेगा पता है आपकी एलईडी सिर्फ ऑन ही दिखेगी मतलब मां थोड़ा बहुत आपको फ्लिकर दिखेगा इसके ऊपर एक भी नंबर नहीं दिखेगा जो आप डिले का यूज़ नहीं करते ना तो आपको एक भी नंबर नहीं दिखेगा हंड्रेड नहीं दिखेगा क्योंकि एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन इतना फास्ट हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब जीरो आके चला भी गया मतलब सट्टा लेके आके चला भी जाएगा एकदम सट्ट से तो अभी उसका 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 हम क्या करें तो उसके लिए हम सम डिले ये प्रोग्राम में ही इसीलिए तो लिखा है कि सम डिले आपको दो नंबर डिस्प्ले करवाने के बीच में थोड़ा बहुत डिले देना रहता है तो डिले आप कैसे देते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी तो डीले डीले पर हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं लेकिन फिर से मैं इसमें दिखाऊंगा कि डीले कैसे देते हैं मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए ऐसा नहीं है कि डीले का नहीं मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं डीले के और जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो और जो प्रोग्रामिंग के वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कितने सारे वीडियोज़ में और कितने सारे प्रोग्राम में हमने डीले का यूज़ करा है तो अभी हमको कौन सा देना है टू माइक्रो टू सेकंड का डिले देना है पूरे टू सेकंड का डीले इधर से मैं एलकोल डीले पर चला जाता हूँ जंप करता हूँ डिले पे और अभी हमको देना है टू माइक्रो सेकंड का डिले तो इधर हम डिले लिख देते हैं तो टू माइक्रो सेकंड के डिले के लिए आपको क्या करना रहेगा तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही डिले बना रहा हूँ मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं इसका मैंने डिले फाइन नहीं करके कर रखा स्टिल देखते तो पहले हम क्या करते हैं डिले देने के लिए पहले हम मूव करते थे कोई भी रजिस्टर में ले लेते आर फोर आर फोर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल सकते हो आप टू फिफ्टी फाइव डाल सकते हो लेकिन अभी हम टू फिफ्टी डालते डेसिमल में इसके पीछे कुछ डी और इसके पीछे मैंने एच नहीं लिखा है जो मैं एच नहीं लिखता मतलब वो वैल्यू हमारी कौन सी हो गई डेसीमल वैल्यू हो गई तो ये मैंने टू फिफ्टी डाला और डिक्रीमेंट एंड जम्प इफ नॉट ज़ीरो एल फोर और सॉरी आर फोर एल फोर नहीं है आर फोर देन जम्प एल फोर मतलब ये क्या करेगा ये ये इतना मुझे कितना डिले देगा ये दो इंस्ट्रक्शन मुझे कितना डिले देगा ये दो इंस्ट्रक्शन मुझे कितना डिले देगा तो उसके लिए मैं दूसरा पेज लाता हूँ क्योंकि ये पेज खत्म हो गया है तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दो इंस्ट्रक्शन कितना डिले देगा तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितना है माइक्रो कंट्रोलर में जो भी आप एक्चुअली जो जब बनाते हो माइक्रो कंट्रोलर तो उसमें आप क्रिस्टल यूज़ करते हो तो लेट्स कंसीडर कि जो हमारा क्रिस्टल है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 मेगा हर्ट से एफ ऑसिलेशन और एसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 12 मेगा हर्ट से हमारे क्रिस्टल की जो भी हमने यूज़ किया है एट जीरो माइक्रो कंट्रोलर में तो अभी वो हमको कितना डिले देगा तो उसके लिए आपको पहले टाइम पीरियड करना पड़ेगा तो उसका टाइम पीरियड कैसा आता है वन अंट ट्वेल्व इंटू टेन रेस टू सिक्स क्योंकि मेगा हर्ट्स में है तो इसका टाइम पीरियड आया इतना एट पॉइंट थ्री 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 इंटू टेन रेस टू एट सेकंड आ रहा है तो अभी इससे डिले कितना मिलेगा मतलब क्या कि ये इंस्ट्रक्शन ये अकेले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कितने टाइम में होती है डी जे एन जेड आर फोर एल फोर मतलब डिक्रीमेंट एंड जंप आर फोर मतलब टू फिफ्टी एक बार डिक्रीमेंट होगा और फिर वो फिर से जंप करेगा डिक्रीमेंट जंप इफ़ नॉट ज़ीरो मतलब कब तक डिक्रीमेंट करना है टू फिफ्टी को जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक डिक्रीमेंट आर फोर डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ नॉट ज़ीरो मतलब जब तक आर फोर हमारा ज़ीरो ना हो जाए तब तक डिक्रीमेंट मतलब तब तक यहाँ पर जंप करना रहता है और ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहना है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगी वो अभी हम समझने वाले हैं तो ये इंस्ट्रक्शन डीजे एनजेड में कितने टी स्टेट रिक्वायर है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा आप ऐसा याद रख लो कि जब भी हम डी जेड एन जेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते तब हमको ट्वेंटी फ़ोर टी स्टेट रिक्वायर रहते हैं तो इसके कारण हमको डिले कितना मिलेगा तो ये एक इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट करने में कितना डिले दे रही है वो अभी हम समझने वाले हैं तो डीले डेट आर जनरेटेड बाय डी जे एन जेड आर फोर डैश एल फोर फॉर वन टाइम फॉर वन टाइम एक ही बार एक ही बार देने में एग्जीक्यूट एक होने में एक बार एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड किया जो कि हमारे ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहता है इंटू क्या करना है ट्वेंटी फोर्थ स्टेट मतलब ट्वेंटी फोर तो इसका आंसर क्या आता है इसका आंसर आता है टू इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स मतलब टू सेकंड मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन टू सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है ये एक इंस्ट्रक्शन टू माइक्रो सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है तो अभी वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है टू फिफ्टी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है क्यों क्योंकि ये डी जे एन जेड आर फोर ये इंस्ट्रक्शन आर फोर में टू फिफ्टी जाएगा फिर डी जे एन जेड डिक्रीमेंट एंड जम्प इफ़ नॉट जीरो आर फोर एल फोर मतलब पहले टू फिफ्टी होगा फिर टू फोर्टी नाइन होगा डिक्रीमेंट होगा फिर टू फोर्टी एट होगा टू फोर्टी सेवन होगा ऐसे वो कब तक जाएगा जीरो तक और तब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता ही जाएगा होता ही जाएगा होता ही जाएगा तो टोटल तो पूरे ये दो इंस्ट्रक्शन मिला के ये दोनों मिला के क्योंकि ये दोनों इस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है जो आर फोर की वैल्यू है वो टू फिफ्टी है और ये डिक्रीमेंट एंड जंप नॉट इक्वल टू तो ज़ीरो तो ये दो मिला के हमको कितना डिले मिलता है तो वो हम कंटेन फाइन करेंगे तो टू सेकंड एक इंस्ट्रक्शन से मिलता है तो टू फिफ्टी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट मतलब ये पूरा टू फिफ्टी बार एग्जीक्यूट होगा यहाँ से यहाँ टू फिफ्टी बार जाएगा तो टू फिफ्टी इंटू टू माइक्रोसेकेंड कितना मिलेगा 500 हंड्रेड माइक्रोसेकेंड का डिले मिलेगा लेकिन अभी हमको कितना चाहिए हमको कितना चाहिए टू सेकेंड चाहिए क्योंकि मैंने कंसिडर किया है कि मुझे टू सेकेंड चाहिए अभी जो प्रोग्राम है ऐसा डिफाइन किया हो इधर कुछ डिफाइंड नहीं है ऐसा ही सिंपली लिख दिया है कि हमको सम डिले चाहिए तो मैंने टू सेकेंड ले लिया तो टू सेकेंड के लिए मुझे कुछ फ़ाइन तो करना पड़ेगा ना तो ये दो इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किए डिले के लिए तो मुझे कितना मिला 500 माइक्रो सेकंड का डीले मिला मुझे कितना चाहिए टू सेकंड तो मैं टू डिवाइड बाय 500 माइक्रो सेकंड करता हूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मुझे ऐड करनी रहेगी अभी दूसरी बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए फाइव माइक्रो सेकंड है तो सिंपली आप देख सकते हो मुझे चार हज़ार मिल चार हज़ार मिलता है फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड में अभी मैं दूसरी बार जो भी मूव आर थ्री का यूज़ करूँगा तो इधर मैं फोर थाउजेंड डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही टू फिफ्टी फाइव है टू फिफ्टी फाइव से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता तो मैं सिंपली कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं फिर से टू फिफ्टी एड करता हूँ मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यू अभी ऐड किया और नीचे दूसरा डी जे एन जेड डिक्रीमेंट एंड जम्प आर थ्री एंड एल थ्री ऐसा मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट ज़ीरो आर थ्री को डिक्रीमेंट करवाना और कब तक डिक्रीमेंट करवाना जब तक ये वाली वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए तो ये दो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हमको कितना मिले मिली माइक्रो सेकंड का डिले मिल रहा था फाइव हंड्रेड सेकंड का अभी हमको टू फिफ्टी एक्स्ट्रा ऐड किया तो फाइव हंड्रेड सेकंड ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा फिर से टू फिफ्टी बार होगा ये ये दोनों इंस्ट्रक्शन कि, कितनी बार एग्जीक्यूट होगी टू फिफ्टी बार तो इन्टू टू फिफ्टी करते मुझे कितना डिले मिलता है तो मैं देखता हूँ फाइव हंड्रेड ये डिले वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है आपको अच्छे से समझना है जो इस वाले वीडियो में नहीं समझ आ रही तो आप पहले वो भी देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंटू टू फिफ्टी करता हूँ इंटू टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड माइक्रोसेकेंड इंटू टू फिफ्टी करता हूँ तो मुझे जीरो पॉइंट वन टू फाइव सेकंड का डिले मिलता है स्टिल अभी हम नियरली आ गए टू टू सेकेंड के नियर आ गए तो अभी मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा टू डिवाइड बाई ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव करना रहेगा तो तो हमको क्या मिलेगा ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव करते हैं तो क्या मिलेगा सिक्सटीन मतलब अभी मुझे सिक्सटीन को भी ऐड करना रहेगा कि इसमें इधर तो इधर मैं सिक्सटीन कैसे ऐड कर सकता हूँ मुँह एक एक्स्ट्रा ले, ले लेते हैं रजिस्टर आर टू सिक्सटीन और डी जे एन जेड डिक्रीमेंट एंड जम्प आर थ्री नॉट आर थ्री आर टू एल टू यहाँ पर जम्प करना है तो मतलब ये पूरा ये पूरा मतलब ये पूरे तीनों तीन इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन होगा सिक्सटीन टाइम रन होगा क्योंकि ये वन टू थ्री फोर को मिला के हमको कितना डिले मिलता है ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव ये दो इंस्ट्रक्शन को मिला के हमको फाइव हंड्रेड माइक्रो सेकंड का डिले मिलता है ये चार इंस्ट्रक्शन मिला के हमको जीरो पॉइंट वन टू फाइव सेकेंड का डिले मिलता है और एक्स्ट्रा हम सिक्सटीन को ऐड कर दें तो हमको कितना डिले मिलता है टू सेकंड का डिले जो कि हमको चाहिए तो ऐसे आप डिले जनरेट करवा सकते हो जो ये वाले वीडियो में आपको नहीं समझ आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैंने ऑलरेडी स्पेशली ये डिले कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए भी वीडियो बना के रखा है तो वो आप देख लेना डिले इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट आप ऐसा छोड़ भी सकते हो ऐसा नहीं है आपको जो टाइम नहीं बेचा हुआ एग्ज़ाम में और डिले नहीं फाइंड करना तो आप ऐसे सिंपली एल्कोल डिले लिख के छोड़ देते हो इधर, इधर ऐसा लिख देने का आप वन सेकंड और टू सेकंड लिया है तो टू सेकंड ऐसा तो मतलब और ऐसे तो लिखने का ही रहता है जब आप एक्चुअली प्रोग्राम बनाते होते लिखना ही रहता है लेकिन जो आपको नहीं बनाना है एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप एल्कोल डिले लिख के भी छोड़ सकते हो लेकिन हमको छोड़ना नहीं हमको समझना है डीले कैसे वर्क करता है तो इधर रिटर्न आएगा इधर रिटर्न का लिख देता हूँ मैं रिटर्न आर ई टी रिटर्न लिख देता हूँ रिटर्न जाने के लिए तो हमने क्या किया ये इतना प्रोग्राम हमारा बना ये प्रोग्राम क्या कर रहा है ज़ीरो डिस्प्ले करवा रहा है किसके ऊपर एल के ऊपर तो अभी यहाँ तक तो हमारा जीरो डिस्प्ले हो गया जीरो डिस्प्ले हो गया अभी हमको अकेला ज़ीरो डिस्प्ले नहीं करवाना है हमें ज़ीरो टू नाइन डिस्प्ले करवाना है तो अभी हम क्या करेंगे अभी आप समझना एल्कोल डीले अभी एक दूसरी टर्म इधर हम ऐड करने जा रहे हैं वो क्या है मू आर वन रजिस्टेंस का यूज़ करते और उसमें हम ज़ीरो ज़ीरो ना डाल देते हैं ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों डालना है वो अभी मैं बताता हूँ तो आप ऐसा याद रखो पहले क्लियर क्यों किया तो वो पॉइंटिंग यहाँ पे पॉइंटिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ यहाँ पर जो एड्रेस है वो और फर्स्ट डेटा ऑफ सेवन सेगमेंट यहाँ पर पॉइंटिंग करने के लिए अभी ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों डाला तो वो भी मैं बताता हूँ अभी हम यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे आर वन को ये जो ज़ीरो ज़ीरो डाला उसमें इंक्रीमेंट होगा वन का अभी हम क्या करेंगे मूव द कंटेंट ऑफ आर वन और मुंह कं मुंह ए कोमा आर वन मतलब जो आर वन का कंटेंट है आर वन में क्या है वन है क्योंकि आर वन में पहले जीरो डाला इंक्रीमेंट करा मतलब वन हो गया और ये जो वन आया वो अभी कहाँ चला जाएगा एक्यूमुलेटर में वन आ जाएगा क्योंकि आर वन का कंटेंट ए में चला गया मतलब ए हमारा वन हो गया अभी हम क्या करेंगे कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल ए जीरो एच मतलब ये कितनी टाइम होता है मतलब कितने टाइम जाना है ये कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल जीरो है जीरो एच मतलब टेन टेन इन डेसिमल ए इन हेक्साडेसिमल डेसीमल टेन इन डेसिमल मतलब जो ए का कंटेंट है वो तो अभी वन है आपको पता है कि आर वन वन है हो गया लेकिन ये कंपेयर क्यों करवाए क्योंकि हमको इतना ही नंबर चाहिए ज़ीरो टू नाइन मतलब टोटल टेन ज़ीरो टू नाइन मतलब टोटल तो टेन हुआ ना ज़ीरो टू नाइन ज़ीरो को कंसीडर करके टोटल वैल्यूज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दैट इज़ वाई वी यूज़ ए एच कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल ए ज़ीरो एच मेन ये कहाँ पर जंप करेगा यहाँ मेन पे जंप करेगा यहाँ तो ये जंप कब तक करेगा ये जंप जब तक करेगा कि हमारा आर वन टेन ना हो जाए जीरो एट ना हो जाए और ये जब ज़ीरो हो जाए हुआ है तब वो स्टार्टिंगली जंप कर देगा स्टार्ट पे तो इधर मैं स्टार्ट यूज़ करता हूँ मतलब पूरा प्रोग्राम फिर से रिपीट होगा तो ये क्या कर रहा है ये इंस्ट्रक्शन कंपेयर कर रहा है ये तो वन था पहले जब पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे तब वन था लेकिन जब एग्जीक्यूट करने के बाद वो चेक करेगा कि ये कंपेयर एंड जम्प इफ नॉट इक्वल वन और जीरो एज सेम तो नहीं है तो वो मेन पे जम्प करेगा फिर से एग्जीक्यूट करेगा फिर से एग्जीक्यूट करेगा मतलब अभी ए में वन हो गया ए में हमारा वन हो गया क्योंकि हमने आर वन का कंटेंट ए में डाला था तो ए प्लस डी पी टी आर मतलब डी पी टी आर में जो कंटेंट है उसमें वन ऐड हो जाएगा तो डी पी टी आर में ये वाला कंटेंट है उसमें वन ऐड हो गया मतलब ये आ गया मतलब अभी ये जो कोड है जीरो सिक्स एच वाला कोड किस में जाएगा पहले एम में जाएगा और एमए से पी टू में जाएगा मतलब अभी दो सेकंड के बाद क्या डिले क्या दिखाई देगा हमको एल ई डी के ऊपर वन दिखाई देगा ये वाला क्योंकि की कोड ये आ गया फिर से दो सेकंड का डिले जाएगा फिर से इंक्रीमेंट आर वन होगा इंक्रीमेंट आर वन मतलब अभी वन था तो टू हो जाएगा ये वन था ना पहली बार जीरो था पहले जीरो था एक बार एग्जीक्यूट हुआ वन हो गया अभी दूसरी बार एग्जीक्यूशन कर रहा है तो अभी वो टू हो गया तो ये जो टू वाला कंटेंट है वो ए में चला जाएगा अभी वो चेक करेगा कि वो टेन है कि नहीं है टेन क्यों क्योंकि हमको जीरो टू नाइन करना है जीरो टू नाइन टोटल हमारे टेन होते हैं तो वो कंपेयर करेगा कि नहीं है तो फिर से मेन पे जम्प करेगा तो अभी टू है तो डी पी टी आर के पहले उसमें जो डो ऐड कर दूँ तो मुझे थ्री तो अभी जो थ्री का की कोड है वो कहाँ जाएगा ए में जाएगा की कोड नहीं बोल सकते आपको कोड बोल सकते हो थ्री का की कोड भी बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बोल दो ना आपको जो अच्छा लगे वो बोल दो मेन तो आपको समझना है तो ए का कंटेंट पी टू में चला जाएगा तो ए का कंटेंट क्या था अभी ये वाला फोर एफ एच तो अभी फोर एफ एच पी टू में चला जाएगा फिर से वो डिले देगा और फिर से इंक्रीमेंट होगा तो अभी फ़ोर हो जाएगा तो जो पहला घंटे में अभी फोर ऐड होगा मतलब वन टू थ्री फोर मतलब अभी सिक्स डी फाइव का मतलब अभी फाइव हमारा एल ई तो ऐसे ऐसे पूरा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता ही जाएगा होता ही जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा जब ये टेन पे आ जाएगा इंक्रीमेंट हो के जब टेन हो जाएगा वो फिर से स्टार्ट कर देगा फिर से मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसा कंटिन्यूसली प्रोग्राम जाता है और कंटिन्यूसली हमें एल के ऊपर मिलता ही रहेगा आफ्टर टू सेकंड मतलब ज़ीरो आएगा उसके टू सेकंड बाद वन आएगा उसके टू सेकंड बाद टू आएगा ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा नाइन तक नाइन के बाद फिर से जीरो हो जाएगा टू सेकंड के बाद जीरो से टू सेकंड के बाद वन हो जाएगा तो ऐसे पूरा हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा तो दिस इज़ हाउ यू आर एबल टू तो इंटरफेस एल ई डी विथ माइक्रो कंट्रोल मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है मुझे भी नहीं पता था कि इतना टाइम चला जाएगा ये वीडियो बनाने में मैं तो सोच रहा था कि सिंपली ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा हो जाएगा लेकिन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि पूरा बेसिक से चालू करूँ तो आपको अच्छे से समझ आए तो आप देख ही सकते हो कि मैंने पूरा डिले भी एक्सप्लेन किया है तो डिले का सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है तो आपको वो देखना है तो वो भी पहले जाके देख सकते हो और ये सिंपल प्रोग्राम है उतना कुछ खास नहीं है लेकिन इसका यूज़ बहुत होता है जो आप ये समझ गए ना डी वाला कॉन्सेप्ट ये मेन इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बाकी प्रोग्राम तो कोई भी लिख डाले कॉन्सेप्ट समझ समझना समझना आना चाहिए समझाना आना चाहिए अच्छे से सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन फाइनाइट नॉलेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और वो सब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बहुत दुख होता है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना रखो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस